तो ब्लैक विडो का स्पेशल लुक का ट्रेलर हमारे सामने आ चुका है, जो कि टीजर ट्रेलर की तरह बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। इसके अंदर हमें टीजर ट्रेलर के ही कुछ सीन्स दिखाए गए हैं, बट कुछ सीन्स हमें नए भी देखने को मिले हैं। तो आज हमारे इस ब्रेकडाउन में हम आपको स्पेशल लुक का ट्रेलर का ब्रेकडाउन करने जा रहे हैं। तो बिना वक्त गवाए और एक स्पॉइलर वार्निंग का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। टीजर ट्रेलर की तरह इसमें भी हमें बुडापेस्ट सिटी दिखाई जाती है, पर अगर आप गौर से देखेंगे तो बुडापेस्ट सिटी के इस शहर के अंदर एक टेरेस के ऊपर हमें एक ब्लैक विडो जो है वो गन ताने नजर आती है। आगे के एक सीन में हम नताशा को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग में एंटर करती नजर आती है, और देखने पर यही लग रहा है कि ये येलिना बिलोवोक के पास जाती है और वहाँ पर ये दोनों डिस्कस करते हैं। और उस डिस्कशन में हम अगर गौर से देखेंगे तो नताशा जो है वो येलिना को एक चीज़ दिखाती है, जो कि अगर आप गौर से देखेंगे इस सीन को तो यहाँ पर आपको देखेगा कि कुछ सुपर सीरम की तरह कुछ हमें दिखाई दे रहा है रेड के अंदर। अभी क्या है यही पिक्चर में हमें देखना है। आगे के एक सीन में हम देखेंगे कि कुछ कॉप्स हैं, अब वो ये पुलिस वाले ही लग रहे हैं अब, जो कि ये किसी बिल्डिंग में एंटर कर रहे हैं। अब सादा गेस लगाने पर यही लग रहा है कि ये हो सकता है कि ये नताशा और येलिना के पीछे हों और वहीं पर ये एंटर कर रहे हों बिल्डिंग में और उनका पीछा कर रहे हों, क्योंकि हमें एक सीन वही नजर आता है जहाँ येलिना देखते हैं पीछा नताशा पहुंची, येलिना को बोलती है कि वो एक किलर है और वो इस दुनिया उस अपने पास को सुधारना चाहती है। उसी की रिप्लाई में येलिना भी उसे बोलती है कि वो भी एक किलर है, यह वो न भूले। आगे हमें बहुत सारे सीन्स नजर आते हैं वही सिक्योरिटी गार्ड्स वाले, और उसके बाद हम देखते हैं वही सीन टीजर वाला जहाँ पर वो बाइक के साथ भागता है, बट इसमें एक नई चीज़ है कि उनके पीछे अब हमें ब्लैक विडो भी नजर आती है। एक सीन में हम नताशा को देखते हैं, उस पर गन ताने हुए ब्लैक विडोज बहुत सारी हमें देखने को मिल रही हैं। अब टीजर के अंदर एक सीन हमें दिखता है वही जहाँ पर वो जो नताशा है वो हमें दिखती है उसके वाइट कॉस्ट्यूम के अंदर। अब उसकी जो वजह है वो है एलेक्स यानी कि रेड गार्डियन, जिसे वो छुड़ाने आए होंगे, बट वो अकेली नहीं है, उसके साथ हमें मेलिना भी नज़र आती है जो वाइट कॉस्ट्यूम के अंदर है और फाइट करते हुए हमें नज़र आती है, और उसी के साथ साथ हमें येलिना बिलोवा भी नज़र आती है, वो भी वाइट कॉस्ट्यूम के अंदर। ये तीनों मिलकर जो है वो रेड गार्डियन को वहाँ से निकाल लेते हैं और अपनी एक टीम बनाते हैं। आगे के हमें सीन में वही टीजर ट्रेलर वाला सीन नज़र आता है, रेड गार्डियंस की फैमिली वाला सीन। अब एक सीन में हम देखेंगे जहाँ पर वो टास्क मास्कर की जो गाड़ी थी वो वहाँ पर हमला करती हुई नजर आती है। कुछ ब्लैक विडो के सीन्स नज़र आते हैं हमें, जहाँ हमें एक नहीं बल्कि बहुत सारी ब्लैक विडोज यानी कि किलर्स विडोज नज़र आती हैं। फिर एक सीन में हमें वही रेड गार्डियंस और टास्क मास्टर की फाइट दिखाई देती है, और एक सीन में ब्लैक विडो की फाइट सीन्स ब्लैक विडो के साथ नज़र आती है। अब इस सीन में हम देखेंगे कि ब्लैक विडो छलांग लगा रही है, और एक सीन के अंदर हम देखेंगे कि वो नीचे उतर रही है। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो यह वाला सीन और वो वाला सीन दोनों अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पर उसका जो सूट है वो ब्लैक है, और हो सकता है कि ये फाइनल बैटल का ही सीन हो और वहाँ पर इसका ये ड्रेस कोड सेम है, और ये वाला जो सीन है जब वो छलांग लगा रही है तो ये वाला जो सीन है वो इस तरीके का हो सकता है जब वो रेड गार्डियन को छुड़ा ना ही हो, क्योंकि इसका बैकग्राउंड और आप उसके वाइट सूट का जो बैकग्राउंड देखेंगे वो सेम है। तो फिल्म के अंदर कुल मिला के हम अगर देखें तो यही हो सकता है कि नताशा रोमानोफ जो है वो अपने पास्ट यानी कि जो उसने जितने मर्डर्स किए होंगे, क्योंकि वो अभी एक लेडी किलर थी, तो वो उन चीज़ों को यानी कि ब्लैक विडो का जो बिजनेस चल रहा है उसे वो बंद करने के लिए आती है। फिल्म टीजर के अंदर अब सबसे खास चीज़ जो ट्रेलर की दिखी वो हमें ये दिखी कि उसमें टास्क मास्टर और नताशा की फाइट सीन्स जो हमें देखने को मिला, सबसे बेहतरीन सीन तो ये था। कम से कम 3 से 4 बार देखा होगा, और नताशा भी ये बात चौंक जाती है कि टास्क मास्टर जो है वो उसी की कॉपी कर रहा है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि टास्क मास्टर जो है वो अपने अपोजिट जो भी होता है वो उसकी कॉपी कर लेता है, यानी कि उसकी स्किल्स जो उसकी मूवमेंट होती है वो उसे कॉपी कर लेता है। अब फिल्म के अंदर नताशा टास्क मास्टर को कैसे हरा पाएगी ये तो देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। फिल्म वैसे ही बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि मार्वल की फेज 4 की अनाउंसमेंट इसी मूवी से हमें देखने को मिलेगी, और टीज़र का जो दिखाया गया है दोनों टीज़र वो बहुत ही प्यारे हैं हमें और बहुत ही अच्छे लगे हैं। फिलहाल के बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप ऐसी अपडेट चाहते हैं तो प्लीज़ पहले मेरे आप इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर लें। अगर आप चाहते हैं कि इस मूवी रिलेटेड और बाकी मूवी रिलेटेड भी आपको कुछ अपडेट्स चाहिए तो मेरा ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लें। तो तब तक के लिए मिलते हैं फिर, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू वॉचिंग आवर वीडियो।